सोचो अगर आप अपने हर दिन की शुरुआत एक पैकेज्ड ऑरेंज जूस के साथ करते हो, अपने दिमाग में ये सोचकर कि इससे आपकी हेल्थ बहुत ही सही हो जाएगी, इस जूस की मदद से आप अपनी डेली विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लोगे। आप उस जूस को पीते हो और एक्सरसाइज करने के लिए निकल जाते हो, मगर कुछ देर के बाद ही आपके पेट में ब्लोटिंग होने लगती है। आपका पेट भरा भरा सा लगना शुरू होता है और आपको इतना आलस आता है कि उसकी वजह से आप कोई भी काम नहीं कर पाते। मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस कई बार हो चुका है, लेकिन तब भी हमने कभी भी इस फ्रूट जूस जो हमें सुबह पीकर निकलते हैं ना, उसके पैकेट को ध्यान से नहीं देखा। पर अगर आपने इस पैकेट पर कभी भी गौर से ध्यान दिया होता तो आपको इन सभी पैकेज फ्रूट जूस बेचने वाली कंपनीज का सच पता लग चुका होता। ये फ्रूट जूस कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट्स में ये दावा करती हैं कि हमारे फ्रूट जूसेस आपके बच्चों के लिए, आपके लिए और यहाँ तक कि आपके पेरेंट्स के लिए भी कितने ज्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। इन एड्स के जरिए आपको एक हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट की फीलिंग बेची जाती है ताकि आप उस पैकेज्ड फ्रूट जूस को पी लो। इन पैक्ड फ्रूट जूसेस को डेली कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबकी सभी तरीके की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उन्हें रोज ये फ्रूट जूसेस को कंज्यूम करना चाहिए। ये बात मैं नहीं बल्कि ये सारी की सारी पैकेज्ड फ्रूट जूस बेचने वाली कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट्स में आपको कहती है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक बार किसी भी फ्रूट जूस कंपनी के पैकेट को घुमाकर पढ़ लोगे ना, तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये है एक बहुत ही फेमस फ्रूट जूस बेचने वाली कंपनी के ऑरेंज जूस के पीछे का लेबल। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो तो वाटर कॉन्सेंट्रेटेड ऑरेंज जूस 8.2%, शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर, नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस एंड एंड में कलर। यानी कि अगर आसान भाषा में समझा जाए तो एक पैकेज्ड फ्रूट जूस बनता है फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, पानी और बहुत सारी चीनी से। और ये चीज हेल्दी होना तो बहुत दूर की बात, बल्कि इन ड्रिंक्स का कंजम्पशन आपको ऐसी ऐसी बीमारियां दे सकता है जो काफी हद तक इररिवर्सिबल हो, यानी चाहकर भी आप उन बीमारियों को ठीक नहीं कर पाओगे। और इस बात को और गहराई में समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि आखिर इस मार्केट में कौन कौन से अलग अलग तरीके के फ्रूट जूसेस आपके लिए अवेलेबल हैं। जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले आते हैं जूसेस जो कि प्योर फ्रूट जूसेस होते हैं जिसके अंदर कुछ भी एडेड नहीं होता। फिर आते हैं नेक्टर्स जो कि नॉर्मली 30% फ्रूट सॉलिड से बनते हैं और उसको आपको एकदम से कंज्यूम करना आता है। फिर आते हैं स्क्वाशेस जिसके अंदर 25% से कम फ्रूट पल्प होता है जिसको शुगर सिरप के साथ मिक्स करा जाता है ताकि वो टेस्ट में अच्छे लगे। फिर आते हैं कॉर्डियल्स जो कि क्रिस्टल क्लियर स्क्वाशेस होते हैं एंड एंड में आती हैं फ्रूट सिरप्स जो कि कॉन्सेंट्रेटेड क्लियर जूसेस होते हैं जिसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इन सभी ड्रिंक्स को पैस्चराइज करके इनमें खूब सारे एसिडिटी रेगुलेटर्स और स्टेबलाइजर्स डाले जाते हैं ताकि इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करा जा सके। इनफैक्ट सिरप्स और स्क्वाशेस जो गर्मियों के अंदर आप लोग खूब मजे से पीते हो, उन्हें भारी मात्रा के अंदर आर्टिफिशियल शुगर्स और लंबे वक्त तक स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स डालकर बनाया जाता है। लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल है वो ये है कि आखिर ये सभी कंपनीज लोगों को अपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स दिखा दिखा कर एक ऐसी चीज क्यों बेचना चाह रही है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आप इस चीज को गहराई से समझोगे तो इस चीज का जवाब छुपा हुआ है फ्रूट जूस की वर्ल्ड वाइड मार्केट और उसकी हिस्ट्री के अंदर। वो फ्रूट जूस की मार्केट जो कि 2021 के अंदर $140 बिलियन से भी ज्यादा की हो चुकी थी। सो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको फ्रूट जूस मार्केट इन अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड मिलेंगी। नंबर वन, फ्रेश फ्रूट जूसेस, उसके बाद आते हैं नेक्टर्स, फिर आते हैं जूस ड्रिंक्स, फिर आती है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूसेस एंड एंड में आते हैं पाउडर्ड फ्रूट जूसेस। आप जब भी मार्केट में जाओगे तो आपको जब भी फ्रूट जूस लेना होगा तो आप इन चार में से कोई ना कोई एक ही फ्लेवर अधिकतर केसेस में चूज करोगे। और कौन से हैं वो फ्लेवर्स? या तो ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, मैंगो जूस या मिक्स्ड फ्रूट जूस। हम में से ज्यादातर लोग, हम लोग जब भी फ्रूट जूस खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर लोग इन चार में से ही कोई एक फ्रूट जूस को सिलेक्ट करते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर इन चार फ्रूट जूसेस में ऐसा क्या है जो कि सारी दुनिया इन चार ही फ्रूट जूसेस को अधिकतर केसेस में कंज्यूम करना चाहती है? और मजे की बात तो ये है कि ये चार जूसेस में से भी सबसे ज्यादा बिकने वाला फ्रूट जूस है ऑरेंज जूस, क्योंकि ऑरेंज जूस को सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है, एजिंग इंडिकेटर्स को कम करता है, कैंसर से बचाता है आपको, आपके सेलुलर रिपेयर और मेटाबॉलिज्म को और ज्यादा फास्ट करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके रखता है एंड आपके ब्लड प्रेशर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो यू सी, ये जो ऑरेंज जूस है ये विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन कॉन्टेंट, इन सारी
चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। दैट इज द रीजन कि वर्ल्ड वाइड हम लोग सबसे ज्यादा ऑरेंज जूस को कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। और तो और क्योंकि ये सभी की सभी फ्रूट जूस कंपनीज आपको ये बताती है कि हमारे जूसेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, इसीलिए उन फ्रूट जूस कंपनीज का जो ऑरेंज जूस है वो क्योंकि आइडली हमारे डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, उसमें सारे विटामिन्स होते हैं, इसलिए लोग उसको खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्लस आज की डेट में आपको एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, पिछले कुछ सालों में कोला और बाकी फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स इन सब का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। लेकिन क्यों, आखिर इसके पीछे का क्या रीजन है? सो देखो, जब कोविड हुआ तो सारी की सारी दुनिया में एक डर का माहौल बन गया था, कोई भी अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था, इसलिए उस वक्त लोगों की टॉप प्रायोरिटी बनी उनकी हेल्थ। प्लस उस वक्त क्योंकि दुनिया भर में लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे, और इसी चीज को सभी फ्रूट जूस कंपनीज ने बहुत ही अच्छे से मोनेटाइज किया, जिस चीज का इस्तेमाल करके इन सभी फ्रूट जूस कंपनीज ने अच्छे खासे पैसे छापे। जब कोविड हुआ तो लोग और भी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने लग गए, जिसकी वजह से जो सोडा और बाकी की ड्रिंक्स है उनकी सेल्स ड्रॉप होने लग गई। बट मार्केट के अंदर एक बहुत ही बड़ी एग्जिस्टिंग डिमांड थी, और वो डिमांड थी कि लोगों को विटामिन्स और मिनरल्स कंज्यूम करने थे। So in that scenario, ये सारी की सारी फ्रूट जूस कंपनीज ने अपनी मार्केटिंग इस तरीके से करी कि हमारे फ्रूट जूस के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और सारे के सारे मिनरल्स जो आपको चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए, वो सब के सब मौजूद है, जिसकी वजह से जो लोगों की एग्जिस्टिंग डिमांड थी इन चीजों को पूरी करने की, उसको सप्लाई के साथ फुलफिल किया इन सभी की सभी फ्रूट जूस कंपनीज ने और कमाए खूब सारे पैसे। पैंडेमिक के टाइम पर लोगों का बाइंग बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बदल गया था, काफी सारे रिटेल स्टोर्स बंद होने लगे थे, जिसकी वजह से लोगों ने फ्रूट्स और वेजिटेबल के जूसेस इन सब को कंज्यूम करने के लिए अपने घर पर स्टोर करना शुरू कर दिया। और जो लोग पहले कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा पिया करते थे वो भी अब इन दो तरह के फ्रूट जूसेस की तरफ इंक्लाइंड होने लग गए। नंबर वन पैकेज फ्रूट जूस जो कि टेट्रा पैक्स के अंदर आता है, एंड नंबर टू कोल्ड प्रेस जूस जिसको खुद प्रेसिंग कर निकाला जाता है। और इसी चीज की वजह से कोल्ड प्रेस जूस की जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी है वो जूस मार्केट की ग्रोथ का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बना। कोल्ड प्रेस जूस के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स भरपूर मात्रा में होते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेडिशनल स्क्वीजिंग के प्रोसेस से निकाला जाता है, जबकि जो बाकी के पैकेज फ्रूट जूसेस होते हैं वो हीटिंग और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, इसीलिए उसके अंदर ये सारी चीजें कम होती हैं। प्लस क्योंकि ये सभी के सभी कंपनीज इन फ्रूट जूसेस को इस तरीके से पैकेज करती है कि आपके लिए इन्हें कैरी करना आसान हो जाता है, इसीलिए हम लोग बिना किसी ऑब्लिगेशन के इन फ्रूट जूसेस को मार्केट से खरीद कर ले आते हैं। लेकिन जिस बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते वो ये है कि ये फ्रूट जूसेस आपकी हेल्थ को ठीक नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा खराब बनाने के लिए आपको बेचे जाते हैं। पर एक मिनट, आखिर इस सब की शुरुआत हुई कैसे? तो अगर हम वक्त में पीछे जाए तो 8000 BC में लोग ग्रेप्स का जूस बनाकर कंज्यूम किया करते थे, पर अगर हम आज के टाइम पर देखें तो लोग अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ही कम ध्यान दे पा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप मेट्रो सिटीज में देखोगे तो आपको दिखेगा कि हर 3 में से किसी एक एडल्ट को हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज की बीमारी है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग रेगुलरली किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। बहुत ही बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग आपकी हार्ट हेल्थ, आपके लंग हेल्थ और आपके लिवर हेल्थ को काफी ज्यादा सही रख सकती है, लेकिन लोग उसे भी करना भूल जाते हैं। बट कैसा रहेगा अगर आपको रोज वॉक करने के पैसे मिलने लग जाए तो? सही सुना आपने, वॉक क्लब। ये एक ऐसा हेल्थ ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रोज वॉक करने के पैसे देता है। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करोगे और साइन अप करोगे तो आपके वॉकिंग स्टेप्स को काउंट करा जाएगा, जिसके रिटर्न में आपको वॉक क्लब के एग्स मिलते हैं जिन्हें आप वॉलेट में सेव करके मनी में एक्सचेंज करके अपने सीधा बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप अपने दोस्तों को ये ऐप रेकमेंड करते हो तो आपको $0.29 के वॉक क्लब एग्स भी मिलेंगे। बस आपको अपनी टीम पर जाना है और वहां पर जाकर शेयर रेफरल को सिलेक्ट करके जैसे जैसे आप चाहो आप उसको जाकर ये ऐप को रेकमेंड कर सकते हो, और आप उनको एक हेल्दी हैबिट भी डलवा रहे हो तो कोई इस बात को बुरा भी नहीं मानेगा। और इस ऐप की जो बेस्ट बात है वो मेरे को ये लगी कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। ये ऐप आपके डेटा को भी एक्सेस नहीं करता और आपको इसके साथ किसी भी तरीके का डेटा शेयर नहीं करना होता। सो आप भी एकदम सेफ रहते हो।
हो। प्लस ये ऐप 100% फ्री है, तो इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। है ना कितना जबरदस्त। वॉक क्लब ऐप का लिंक मैंने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर दे दिया है। अगर आप भी चाहो तो आप भी इस ऐप को यूज करके एक अच्छी हैबिट को डाल सकते हो। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन लेमनेड, जिसको हम नींबू पानी भी कहते हैं, उसको भी 16th century में सबसे पहले इटली में बनाया गया था, जिसके बाद इसको मिडल ईस्ट जैसे देश जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है वहां पर यूज करा जाना चालू किया गया। पर 1930s में जूसिंग इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी, क्योंकि ये एक इंसान जिसका नाम था डॉक्टर नॉर्मन वॉकर, उन्होंने इस दुनिया की पहली जूसिंग मशीन इन्वेंट करी, जिसको नॉरवॉक भी कहा जाता है। उस टाइम के हिसाब से ये मशीन इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि इसका इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनका जूस निकालकर अपने घर पर आराम से पी सकता है। और इस चीज की वजह से 1940s और 1950s में पूरी दुनिया में फ्रूट जूस का कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और लोग इन फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल अपनी शुगर की क्रेविंग्स को मिटाने के लिए करने लगे थे, क्योंकि उस वक्त तक किसी के लिए भी ये हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं हुआ करता था और लोग इससे कोई भी खतरा एक्सपेक्ट नहीं करते थे। साल 1889 में हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पहली बार फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया गया था, क्योंकि ये चीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सक्सेसफुली फूड से हटा देती है। हजारों सालों से लोग फूड को प्रिजर्व करने के लिए कई सारी टेक्निक्स का यूज करते हैं। इनफैक्ट जूस प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत सालों तक HPP यानी कि हाई प्रेशर प्रोसेसिंग का यूज किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है इन फूड से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स की। अगर आप एक पैकेज फ्रूट जूस के पैकेट को घुमाकर देखोगे और न्यूट्रिएंट इंफॉर्मेशन पर गौर करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये कंपनीज जिन न्यूट्रिएंट्स का वादा अपने एडवर्टाइजमेंट्स में आपको करती है वो दरअसल इन जूसेस के अंदर इतनी कम क्वांटिटीज में मौजूद है कि आपको उसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं होने वाला। जैसे कि फाइबर, जो कि आपकी डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो 100 ml के अंदर सिर्फ 0.6 grams है। 6 grams नहीं बोल रहा मैं, 0.6 grams यानी कि 6 grams का भी 1/10। विटामिन सी, अगर आप देखोगे तो 100 grams के अंदर सिर्फ 9 mg है, जिसका होना या ना होना एक ही बात है। और जो सबसे ज्यादा इन फ्रूट जूसेस में अगर कुछ मौजूद है तो वो है शुगर। चीनी, 100 ml के अंदर 10 grams चीनी है। लेकिन मैं आपको ना एक बहुत ही ज्यादा मजेदार बात बताता हूँ। ज्यादातर फ्रूट जूसेस बॉयल करके प्रिपेयर किए जाते हैं, और बॉयलिंग के बाद फ्रूट जूस के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स पहले थे वो बचते ही नहीं है। अगर आप बॉटल्ड, टेट्रा पैक या फिर कैन, इनमें से किसी भी कोई भी फ्रूट जूस को उठाकर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम से कम 6 महीने की होती है। आप एक बार खुद सोचकर देखो कि अगर कोई चीज 6 महीने तक एक शेल्फ के अंदर वैसी की वैसी बिना खराब हुए रखी जा सकती है तो क्या वो नेचुरल होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन सभी फ्रूट जूसेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिससे इनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज किया जाता है। इन सभी ड्रिंक्स के अंदर ऑक्सीजन डिप्लीटेड रिमेन्स होते हैं, जिनको पैस्चराइजेशन के बाद कॉन्सेंट्रेट की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। अगर बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो इन जूसेस में जो मॉइस्चर होता है उसको पैस्चराइजेशन की मदद से इन जूसेस से निकाला जाता है, ताकि ये बैक्टीरिया और फंगस की कॉन्टैक्ट में आकर बहुत ही जल्दी फ्रूट जूसेस खराब ना हो जाए। और इस पैस्चराइजेशन के बाद जो बचता है वो होता है फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट। सारी प्रोसेसिंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जूस के न्यूट्रिशन को एकदम खत्म कर देती है। ये प्रोसेसेस इन लिक्विड्स को लैकलस्टर बना देते हैं। नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के फूड बायोप्रोसेसिंग और न्यूट्रिशन साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मारियो जी फेरूजी के मुताबिक, जब भी आप किसी भी फूड को प्रोसेस करते हो तो यू लूज पॉलीफेनॉल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि जब भी उसको प्रोसेस किया जाएगा तो ये चीजें उस फूड से गायब हो जाएंगी। तो जब भी इन सारे के सारे फ्रूट से ये फ्रूट जूसेस बनाए जाते हैं प्रोसेसिंग के थ्रू, तो उसके अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो सब के सब वहां से गायब हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इट इज बेस्ट टू ड्रिंक द जूस राइट अवे, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो विद टाइम डिक्रीज होती जाती है। प्लस इस प्रोसेसिंग की वजह से इन फ्रूट जूसेस के साथ एक और प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है, और वो है फाइबर की प्रॉब्लम। अगर आप मौसमी खाते हो या फिर आप एक संतरा खाते हो या फिर अगर आप एक एप्पल भी खाते हो, तो इन सभी के सभी फ्रूट्स के अंदर अच्छा खासा फाइबर होता है, जिसका सबसे ज्यादा जरूरी काम ये होता है कि इन फ्रूट्स को जब आप खाते हो तो इनके अंदर हाई वॉल्यूम में फ्रुक्टोस यानी कि फ्रूट शुगर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक कर जाता है। लेकिन इन फ्रूट्स के अंदर जो फाइबर्स होते हैं ना, वो आपके इस ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, ताकि इन फ्रूट से मिलने वाली जो नेचुरल शुगर है वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन जब आप ये पैकेज फ्रूट जूसेस पीते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है। क्यों? क्योंकि इन फ्रूट जूसेस के अंदर वो फाइबर्स होते ही नहीं है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाए।
एंड अगर आप इनको डेली कंज्यूम करते हो तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है कि कुछ सालों में आप टाइप 2 डायबिटीज के एक पेशेंट भी बन जाओ। सी, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप फ्रेश फ्रूट्स को क्रश और बॉईल करते हो उसके बाद ये फ्रूट जूसेस को प्रिपेयर किया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो फ्रूट जूस कंपनीज है ये फ्रेश फ्रूट्स को सबसे पहले क्रश करती है, फिर उनको बॉईल करके पैस्चराइज करती है, जिसके बाद एक फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट प्रिपेयर किया जाता है। अब इसके अंदर जितने भी फ्रूट में फाइबर्स थे वो सारे के सारे हट चुके हैं, जिसकी वजह से जब आप इनको पीते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा स्पाइक करता है। प्लस इसलिए भी स्पाइक करता है क्योंकि इन सारे फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट्स के अंदर पानी मिलाने के बाद बहुत ज्यादा चीनी मिलाई जाती है, और अगर आप इन जूसेस को लॉन्ग टाइम तक कंज्यूम करते रहोगे, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कंज्यूम करोगे, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। फाइबर इंटेक हाई होने से आपका जो हार्ट डिजीज होने का चांस है, जो आपको ओबेसिटी और डायबिटीज होने का चांस है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। मगर ये जो फ्रूट जूसेस जिन्हें आपको ये कहकर बेचा जा रहा है कि ये आपकी हेल्थ को बहुत ही ज्यादा सुधार सकते हैं, वही फ्रूट जूसेस आपके हार्ट अटैक, ओबेसिटी और डायबिटीज होने का कारण बन सकते हैं। स्टडीज ने ये दिखाया है कि सॉल्युबल फाइबर को इंक्रीज करने से आपका जो ब्लड शुगर लेवल है और कोलेस्ट्रॉल लेवल है इनको इंप्रूव किया जा सकता है। एक स्टडी ने होल एप्पल खाने को एप्पल जूस कंज्यूम करने से भी कंपेयर किया है। स्टडी में यह पाया गया कि क्लियर एप्पल जूस जो बंदा पी रहा था ना, उसका LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल 6.9% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू उस बंदे से जो बंदा एप्पल के होल फ्रूट को कंज्यूम कर रहा था। और इस इफेक्ट का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जाता है एप्पल्स के अंदर जो फाइबर मौजूद होता है उसके फाइबर कंटेंट को। देखो, फ्रूट जूसेस पीने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, जबकि जो लोग सिर्फ फ्रूट कंज्यूम करते हैं, बेसिक फ्रूट कंज्यूम करते हैं, उसमें ये चीज बहुत ही कम देखी गई है। प्लस जैसा कि हमने जाना कि इन सभी फ्रूट जूसेस में एडेड शुगर बहुत ही ज्यादा होती है, ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड का फ्रूट जूस पैकेट है। आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है 14 ग्राम, जिसके अंदर 6 ग्राम तो फ्रूट शुगर है, लेकिन जो एडेड शुगर है वो है 8 ग्राम। ये आर्टिफिशियल शुगर्स, प्रिजर्वेटिव्स, आइडेंटिकल फ्लेवर्स और कलर्स इन जूसेस में इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि पैस्चराइजेशन, जब इस प्रोसेस से इन जूसेस को निकाला जाता है तो इनमें मौजूद पानी, नेचुरल कलर्स और नेचुरल फ्रूट शुगर ये सब की सब इवेपोरेट हो जाती है। इसीलिए पैस्चराइजेशन से बने फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट में दोबारा पानी मिलाकर ये सब आर्टिफिशियल शुगर्स और कलर डालकर उस जूस को तैयार किया जाता है, जिसको आप टेट्रा पैक के अंदर स्ट्रॉ डालकर डेली बेसिस पर पीते हो। यहाँ तक कि बहुत सारे फ्रूट ड्रिंक्स के अंदर सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड के वेरिएशंस डाले जाते हैं ताकि इन फ्रूट जूसेस को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक एसिड अगर कम मात्रा में यूज करे जाए तो ये वैसे तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस नहीं होते, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में इसे कंज्यूम किया जाए और खास तौर से विटामिन सी के साथ, जो कि इन सभी फ्रूट जूसेस के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये कार्सिनोजेनिक बन जाते हैं, यानी आपको इससे कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि जब सोडियम बेंजोएट को विटामिन सी के साथ कंबाइन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बेंजीन गैस बनती है, जिससे आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ इन फ्रूट जूसेस का एक और ऐसा छुपा हुआ सच है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके बारे में हार्डली आपको किसी ने भी बताया होगा, और वो चीज है कि ये फ्रूट जूसेस अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो आपके दांत खराब होना गारंटीड है। इन जूसेस का जो सबसे बड़ा असर होता है वो होता है आपके दांतों के एनामल पर। एनामल आपके दांत के बाहर जो हार्ड हिस्सा होता है उसको खराब होने से बचाता है, लेकिन जब ये एनामल घिसता है तो ये पतला होने लगता है, इरोड होने लगता है, जिसके बाद जो नीचे की लेयर है जिसको हम डेंटिन कहते हैं, जो कि येलो कलर की होती है, वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। इससे ना सिर्फ आपके दांत पीले होते हैं बल्कि आपके दांतों की जो सेंसिटिविटी है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्या आपने कभी कुछ गर्म या फिर कुछ ठंडा खाते हुए अपने दांत में किसी तरीके की सेंसेशन महसूस करी है? वो सेंसेशन आपको होती है क्योंकि आपके दांतों का जो एनामल है वो अब थोड़ा थोड़ा निकलने लग गया है। अब आप सोच रहे होगे कि इन फ्रूट जूसेस तो विटामिन्स और मिनरल्स से भरे हुए होते हैं ना, तो आखिर ये चीजें हमारे दांतों के एनामल को कैसे खराब कर सकती है? चलो तो आपको थोड़ा सा बचपन में लेकर चलते हैं। क्या आपको बचपन में कभी ये बोला गया था कि बेटा मिठाइयां मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, इससे आपके दांत खराब होते हैं? पता है वो चीज भी आपको एक रीजन से बोली जाती थी। सो सी, अकॉर्डिंग टू साइंस, जब आप शुगर कंज्यूम करते हो तो वो डाइजेस्ट होने के बाद आपके पीएच लेवल्स को बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर देती है, जिसके चलते आपका जो सलाइवा है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और क्योंकि आपके दांत आपके सलाइवा से रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते हैं, इसलिए इस एसिडिक सलाइवा से आपके दांतों का जो एनामल है वो गलना शुरू हो जाता है। और क्योंकि इन सभी पैक्ड फ्रूट जूसेस के अंदर भारी मात्रा में आर्टिफिशियल शुगर डाली जाती है, तो ये भी आपके पीएच लेवल्स को
बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर देती है। फिर आपका सलाइवा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाता है और आपके दांत के एनामल को खराब करने लगता है। अब ये सारा कुछ जानकर आपके मन में एक सवाल बहुत ही जोर से आ रहा होगा कि क्या हम इन सभी फ्रूट जूसेस को पीना छोड़ दें या फिर क्या हमें घर पर फ्रूट जूस निकालकर पीना चाहिए, आखिर करें तो करें क्या। सो इस चीज का जवाब एक ही शब्द की गहराई के अंदर छुपा हुआ है और वो शब्द है डेली। देखो पैकेज फ्रूट जूसेस हो या फिर फ्रेश फ्रूट जूसेस हो, इन दोनों ही केसेस के अंदर जो फ्रूट के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फाइबर, जो कि उस फ्रूट में मौजूद फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर से होने वाले ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वही गायब हो जाता है। सो इन बोथ द केसेस आपको जानकर ये झटका लगेगा, लेकिन अगर आप चाहे फ्रेश फ्रूट जूस हो या पैकेज फ्रूट जूस हो, दोनों में से किसी भी चीज को डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हो तो आपकी हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। पैकेज जूसेस में प्रिजर्वेटिव्स और एडेड शुगर्स काफी ज्यादा होती है, तो शायद इनके रेगुलर कंजम्पशन से आपको बीमारियां जल्दी हो जाए, मगर ये दोनों ही डेली कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ खराब होना कंफर्म है। बजाय इसके कि आप डेली फ्रूट जूस पियो, आपको फ्रेश फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए और फ्रूट जूसेस चाहे कोई भी हो, पैकेज्ड हो या फ्रेश फ्रूट जूस हो, आप वंस इन अ वाइल कंज्यूम कर सकते हो बट नॉट डेली। सो यस, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे ऐसी पावरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो।